नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि यदि Amazon पे कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किए हुए रहते हैं और आपका Amazon का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो क्या वो प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर होगा या नहीं होगा। यदि आप ऑनलाइन पेमेंट कर चुके हैं तो क्या आपका वो पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारा कुछ डिटेल आप सभी को शेयर करने वाला हूँ वीडियो में। आखिरी तक बने रहिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह के नए नए वीडियो हम रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं आगे इस टॉपिक पे। मेरे साथ भी एक घटना घटा था। Amazon पे हमने कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर कर रखा था और अनफॉर्चुनेटली मेरा जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया दोस्तों। और ब्लॉक होने के बाद हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और लगातार कस्टमर केयर को कॉल करते रहा, कस्टमर केयर के तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिला। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किया था वो लगभग उसका अमाउंट 3000 के समथिंग था दोस्तों, और वो प्रोडक्ट हम तक डिलीवर नहीं हुआ और दोस्तों ना ही पैसा वापस हुआ, क्योंकि हमने पैसा जो है वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रखा था। हम क्या जाने भाई कि मेरा Amazon का अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, हमें पता नहीं था। और ऐसे मेरे ही गलती के वजह से मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मंगवाते थे और उसे रिटर्न करते थे, तो मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। अभी तक हम Amazon का नया अकाउंट नहीं बनाए हैं और ना ही अभी तक Amazon से शॉपिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपका भी अकाउंट ब्लॉक हो गया है और उसी अकाउंट से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर रखे थे तो आपका प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होगा। तो आप अब उस पैसा का चिंता छोड़ दीजिए, उस प्रोडक्ट का चिंता छोड़ दीजिए। और क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कमेंट में बताइए। बहुत सारे भाई लोग तो कमेंट कर रहे थे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, बताइए हम क्या करें, तो हमने बता दिया भाई। बाकी आपका क्या राय है कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।